लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर देश के वोटर नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि कई मौकों पर इसकी सराहना भी की गई, यानी ईवीएम हमारे लोकतंत्र का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईवीएम देश में कैसे आई, क्यों चुनाव के दौरान ईवीएम की जरूरत पड़ी? तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं क्या है ईवीएम की कहानी। ईवीएम की कल्पना पहली बार साल 1977 में की गई थी। इसका प्रोटोटाइप हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा साल 1979 में विकसित किया गया। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने निर्वाचन आयोग द्वारा मशीन का प्रदर्शन किया गया था। ईवीएम को लेकर व्यापक सहमति पर पहुंचने के बाद निर्वाचन आयोग ने उसके उपयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश जारी किए। केरल में परूर विधानसभा सीट के चुनाव के दौरान 19 मई 1982 को 50 मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। दिसंबर 1988 में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किया गया और कानून में एक नई धारा 61A शामिल की गई, जो आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार देती है। संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ और फिर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया।